स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कक्षा 6 विज्ञान का पाठ 1 भोजन कहाँ से आता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? उत्तर, नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। कुछ जीव केवल पादप और पादप उत्पाद खाते हैं। वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपने शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। शाकाहारी, जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। मांसाहारी, जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं। सर्वाहारी, जो शाकाहार और मांसाहार दोनों का भक्षण करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। उत्तर, 5 पौधे और उनके भाग जो खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग होते हैं। पहला, गाजर। गाजर की जड़ खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग की जाती है। दूसरा, पालक। पालक के पत्ते खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तीसरा, फूल गोभी। फूल गोभी का फूल खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। चौथा, गेहूँ। गेहूँ के बीज को खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। पाँचवा, आम। आम का फल खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप और भी अन्य फल या सब्जियों के नाम लिख सकते हैं और उनके खाद्य पदार्थ के लिए जो भाग हम उपयोग करते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, कॉलम 1 में खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। कॉलम 1, दूध, दही, पनीर, घी, इसकी उचित मिलान होगा, सभी जंतु उत्पाद हैं। पालक, फूलगोभी, गाजर, ये सभी सब्जियां हैं। शेर, बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शाकाहारी पादप, दूध, गन्ना, मांसाहारी। इसमें पहला है, बाघ एक खालिस्थान है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। इसका उत्तर होगा मांसाहारी। सेकंड, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। इसका जो रिक्त स्थान है उसमें आएगा शाकाहारी। थर्ड, तोता केवल खालिस्थान उत्पाद खाता है, इसके रिक्त स्थान में आएगा पादप। फोर्थ, जो दूध या जो रिक्त स्थान हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है इसलिए यह जंतु उत्पाद है। इसका उत्तर है दूध। फिफ्थ, हमें चीनी खालिस्थान से मिलती है, इसमें आएगा गन्ना। हमें चीनी गन्ने से मिलती है। चीनी मीन्स शक्कर। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, 4 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। उत्तर, रोटी, चावल, दाल, सब्जी। स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी आप अन्य खाद्य पदार्थों के नाम लिख सकते हैं जो कि आपको पसंद हैं। प्रश्न क्रमांक 2, कच्ची सामग्री किसे कहते हैं? उत्तर, कच्ची सामग्री खाद्य पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री को कच्ची सामग्री कहते हैं। जैसे चावल पकाने के लिए पानी और कच्चे चावल कच्ची सामग्री कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाल बनाने के लिए कौन सी कच्ची सामग्री चाहिए? उत्तर, दाल बनाने के लिए कच्ची दाल, चाहे आप उड़द की दाल लें, तुअर की दाल लें, मूंग की दाल लें, कोई भी कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी, मसाले आदि कच्ची सामग्री हैं। प्रश्न क्रमांक 4, संघटक किसे कहते हैं?
उत्तर संघटक। खाद्य पदार्थ तैयार करने के लिए जो पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संघटक कहते हैं, जैसे दूध, चावल, चीनी या शक्कर और पानी। खाद्य पदार्थ खीर के प्रमुख संघटक हैं। उदाहरण में आप अन्य कोई भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे दाल ले सकते हैं उदाहरण के लिए, या फिर इडली ले सकते हैं, जिसके संघटक आप इसमें उदाहरण के रूप में लिखें। प्रश्न क्रमांक 5, सब्जी बनाने के लिए कौन से संघटकों की आवश्यकता होती है? उत्तर सब्जी बनाने के लिए कच्ची सब्जी, कोई भी कच्ची सब्जी यहाँ ले सकते हैं, लौकी, बैंगन, गिलकी, कुछ भी ले सकते हैं, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 6, जंतुओं से हमें कौन से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं? उत्तर जंतुओं से हमें दूध, अंडे, मांस, मछली, मुर्गा, झींगा, पनीर, मावा, दही आदि प्राप्त होते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, कौन से पौधे के कौन से खाद्य संघटक प्राप्त होते हैं? पौधे से कौन से खाद्य संघटक प्राप्त होते हैं? उत्तर पौधे से हमें सब्जी, फल, बीज आदि संघटक प्राप्त होते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, दूध देने वाले पशुओं के नाम लिखिए या दुधारू पशुओं के नाम लिखिए। उत्तर गाय, भैंस और बकरी से हमें दूध प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 9, दूध के उत्पादों के नाम लिखिए। उत्तर दूध से हमें मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही आदि मिलते हैं। स्टूडेंट्स, दूध के उत्पाद से आशय होता है दूध, सिर्फ दूध से बनी चीज़ें जिनमें हम अन्य कोई भी कच्ची सामग्री नहीं मिलाते हैं, इसमें मुख्यतः कच्ची सामग्री दूध होता है। तो दूध से हमें मक्खन, क्रीम, पनीर और दही आदि मिलते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, हमारे भोजन का मुख्य स्रोत कौन सा है? उत्तर हमारे भोजन का मुख्य स्रोत पेड़ पौधे होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें अनाज और सभी सब्जियां प्राप्त होती हैं। प्रश्न क्रमांक 11, पौधे के कौन से भागों से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं? उत्तर पौधों के पत्ते, जड़ें, तना, फूल और फल तथा बीज भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं, अर्थात जड़ें, तना, फूल और फल तथा बीज आदि खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, किन पौधों के पत्तों को खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है? उत्तर पालक, सरसों, मेथी, धनिया आदि के पत्तों को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 13, किन पौधों के तनों को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है? उत्तर आलू, प्याज, लहसुन, कचालू, इनके तनों को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 14, किस पौधे के फूल को खाद्य भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है? उत्तर काशीफल या कद्दू। स्टूडेंट्स, भारत में किसी किसी स्थान पर जो कद्दू है इसके फूलों को चावल के पेस्ट को घोलकर उसके अंदर डुबोकर तलकर खाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 15, किसी एक पौधे का नाम बताओ जिसके विभिन्न भाग खाए जाते हैं? उत्तर सरसों के पत्ते से साग बनता है तथा इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, सरसों के अलावा आप किसी और का भी उदाहरण इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, अंकुरण किसे कहते हैं? अंकुरण बीजों के पुंगरने या उनमें अंकुर फूटने की स्थिति को अंकुरण कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, किन बीजों को अंकुरित करके खाया जा सकता है? उत्तर मूंग, चना, सोयाबीन, मूंगफली आदि को अंकुरित करके खाया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 18, दो शाकाहारी जंतुओं के नाम बताओ। उत्तर भैंस, बकरी। स्टूडेंट्स अपने हिसाब से इन नामों को बदल सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 19, दो मांसाहारी जंतुओं के नाम बताओ। उत्तर शेर, छिपकली।
स्टूडेंट्स अपनी सुविधा के अनुसार इन नामों को बदल सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, दो सर्वाहारी जंतुओं के नाम बताओ। उत्तर, मनुष्य और कौआ। सर्वाहारी वे होते हैं जो शाकाहार और मांसाहार दोनों का भक्षण करते हैं। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।